मंच पर आसीन कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथी, प्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, अभी बड़े विस्तार से आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, केसी वेणुगोपाल जी ने, हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने और हरीश रावत जी ने अपनी अपनी बातें कही। उन तमाम बातों से अपने आप को सबद्ध करता हूँ। यशपाल आर्या जी जो मूल रूप से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड राज्य के अंदर जाने जाते हैं और मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी यशपाल आर्य जी के साथ रहने का अवसर मिला और चार बार उत्तराखंड विधानसभा में भी आपके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। हमसे बिछड़े जरूर, लेकिन यशपाल आर्या जी कांग्रेस की विचारधारा से ओत प्रोत रहे और जब भी आप मंत्री के रूप में थे, मैं नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब संवाद स्थापित करता था तो तब यशपाल आर्या जी लगातार इस बात को कहते थे कि कांग्रेस उत्तराखंड राज्य के अंदर मजबूत होनी चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में कई बार आर्या जी से बात हुई और अंतोगत्वा आज आर्या जी कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हुए। आपका अभिनंदन और हम स्वागत करते हैं। संजीव आर्या जी पहली बार विधायक बने, लेकिन राजनीतिक परिवार के अंदर होने की वजह से और जिस तरीके से उन्होंने कोऑपरेटिव के माध्यम से और मंडी के माध्यम से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया, मैं कह सकता हूं कि वही वजह रही कि आज वो विधायक के रूप में भी उत्तराखंड विधानसभा में रहे और विधानसभा के अंदर जिस तरीके से वो अपनी बात पूरी मजबूती के साथ रखने का काम करते थे, तो मैं कह सकता हूं इनका भविष्य बहुत उज्जवल है और आज वो भी कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हुए, उनका भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लाडी जी, मैं समझता हूं उत्तराखंड के अंदर खासतौर से किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये हमारे बहुत ही मजबूत साथी रहे। इन्होंने सदैव उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। ये बात दिगर है कि हमसे अलग हुए लेकिन फिर से परिवार में सम्मिलित हुए, तो मैं आपका कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आर्या जी, संजीव आर्या जी, लाड़ी जी के आने से उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में खड़ी है और उत्तराखंड के लोग कांग्रेस की ओर बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। मैं पुनः यशपाल आर्या जी का, संजीव जी का और लाड़ी जी का कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आवाज़ ही नहीं, पूरे देश की आवाज़, पूरे समाज की आवाज़, गरीबों की, दलितों की, कमजोर तबके की, संपूर्ण समाज की आवाज़ को मजबूती से धार देने वाले हमारे मुख्य प्रवक्ता आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हमारे उत्तराखंड के प्रभारी, हमारे परिवार के, हमारे परिवार के साथी, हमारे सम्मानित देवेंद्र यादव जी, हमारी सम्मानिता बहन सह प्रभारी दीपिका जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष सम्मानित गणेश गोदियाल जी और हमारे जिनके साथ मुझे काम करने का, ये जो विधायक के रूप में काम करने का लगातार अवसर मिला है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है उत्तराखंड में, हमारे सम्मानित प्रीतम सिंह जी,
इस अवसर पर मेरे सुपुत्र संजीव आर्य जी, हमारे मित्र हरेंद्र सिंह लाड़ी जी, सम्मानित मंच और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के सभी मेरे सम्मानित भाई और बहनों, निश्चित रूप से आज का दिन मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे नेता, हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त हुआ है। यूँ कहूँ कि आज मैं अपने परिवार में आया हूँ, पुनः अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूँ, मेरे घर वापसी हो रही है।